देखिए आज हम आपको आलू मटर के पनीर वाले समोसे बना के दिखाएंगे, कितने क्रिस्पी हैं, कितने करारे। आज दिखाते हैं हम आपको कैसे बनते हैं ये। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आलू मटर के समोसे बनाएंगे। देखिए हमने 1 किलो मैदा ली है, उसमें से हमने थोड़ी मैदा बचा ली है, ये हमारे 3 पाव मैदा है। हम इसका डो लगाएंगे, हमने छान के तैयार कर ली है। उसमें क्रश करके हम थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल देंगे। एक चम्मच हमने अजवाइन डाल दी है इसमें। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। ये हमारा देसी घी है गाय का, अब हम ये इसमें डालेंगे। ये हमने 200-250 ग्राम घी ले लिया है। अब आप अपने अनुसार ले लिए जितना घी आपको उसमें आटे में लगे कि सही है आपके डो में। आप इसका डो अच्छे से लगाएंगे मल मल के। देसी घी डालने से समोसे ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, वैसे तो हमने इसमें घी डाला है। आपको घी डाल के इसमें मैदा को मलना है खूब अच्छी तरह से, जो इसमें घी आपस में मिल जाए। देखिए हमने इसमें अपना घी अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए ये हमारा कैसे बन के तैयार हो रही है। देखो कैड़ा हो गया ये, देखो। अगर आपका डो ऐसा बन रहा है तो समझ लो आपका घी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए हमारा एक ये घी दानी हमारा ये लग गया है घी इसमें। ये 200-250 ग्राम घी है इसमें हमारा। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम गर्म पानी डालेंगे। इसका डो तैयार कर लेंगे। हमें थोड़ा सा कैड़ा डो रखना है इसका। देखिए हमारे थोड़े से पानी से ही डो लग के तैयार हो गया हमारा। देखो कितना पानी बचा हुआ है, ये बहुत थोड़ा पानी लगा है, उससे हमारा डो तैयार हो गया। देखो कितने अच्छे से, देखो कितना अच्छा टाइट डो बन गया है। हमें बिल्कुल ऐसे ही रखना है। बस आपको घी का ध्यान रखना है कि कितना डालना है। अगर आपका आटा थोड़ा उसमें मांड के सही खड़ा होने लगे तो समझ लो आपका डो सही है। इसे आप मांड के अच्छे से 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। हमारा तैयार हो चुका है डो। देखिए हम 10-15 मिनट के लिए उठा के ढक के रख देंगे इसे। अब हम अपनी आलू का मसाला तैयार कर ले लिए हैं। ये हमने उबाल के इन्हें छील के फोड़ लिया है आलूओं को। और इसमें हमने ऊपर से नमक डाल दिया है क्योंकि कढ़ाई में अच्छे से मिल नहीं पानी का। अब हमने कढ़ाई रख ली है और उस पर हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ी घी डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम राई डालेंगे। देखिए ये हमने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। देखिए बच्चों को मन आता है तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हमने ऐसे डाल दिया है। एक चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल देंगे हम लाल। एक चम्मच हम लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डालेंगे। दो चम्मच हम धनिया डाल देंगे, सूखा धनिया।
आधे चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे। देखिए इसमें दो चम्मच पानी डाल देंगे हम, जिससे हमारा मसाला सूखा सूखा ना रहे। डाल देंगे हम एक से डेढ़ चम्मच। हम इसमें अपनी मटर डाल देंगे, जो मटर हमने उबाल ली है। अपने आलू डाल देंगे। देखिए हमारे आलू कितने अच्छे से भून गए, कितना अच्छा कलर आ गया इनका। देखो कितने अच्छे से आलू तैयार हो गए, आलू मसाला तैयार हो गया हमारा इनका, बहुत चटपटे बन गए ना। और इन पर धनिया डाल देंगे हम। चला दिए, देखो कितने अच्छे मसाला आलू तैयार हो गए हमारे मटर वाले। हम भरने का बैटर तैयार हो गया अभी हमारा। हम अपनी कढ़ाई रखेंगे तलने के लिए। तैयार हो गया है देखिए, अब हम इसकी लोई तोड़ ली है हमने ऐसे करके, और हम इसमें से ऐसे एक एक लोई तोड़ लेंगे। और लोई बना के हम इस तरह से इसकी लोई बना लेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। हमने बेल लिया है अपना, और हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। अब ऐसे हाथ पे उठा लेंगे हम अपने इसको, मैदा के बेल लिया हमने। अब इसको आधा ऐसा करेंगे और इस पर पानी लगाएंगे इस तरह से, ऐसे पकड़ कर, और उनको ऐसे बंद कर लेंगे। देखिए इसकी ऐसे नोक बना लेंगे और हम इसे ऐसे ले लेंगे हाथ में। अब देखो हमने एक पनीर डालेंगे इसके अंदर, वही काजू डाल रहे हैं हम, अपना अपने बैटर इसमें डालेंगे। और इसमें किनारे किनारे पानी लगा देंगे और हम इस तरह से लोक कर देंगे अपने समोसे को। देखिए हमारा कितना अच्छा समोसा बन गया है। देखिए ऐसे हम दूसरा समोसा ले लेंगे ऐसी लेके, और इस तरह से हम लॉक कर देंगे। देखो इस तरह से बंद हो जाएगा हमारा। दूसरा भी ऐसे भर लिया है। अब देखो इसे आप ऐसे लॉक करके ऐसे मोड़ लेना और इसे ऐसे बंद कर देंगे इस तरह से। देखिए देखिए कितना अच्छा समोसा बना है। हम सारे समोसे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए हमारे समोसे ये रहे। समोसे हो गए हैं, हमें धीमी आंच पे ही छोड़ने हैं ना। हाँ आँच हम बीच पे कर सकते हो थोड़ी सी, इससे क्रिस्पी और करारे बनेंगे। यही कितने टेस्टी समोसे बन गए। काट लेंगे अपने कितने लाल समोसे हो गए। जो जो आपके समोसे उतरते जाए लाल होते जाए आप उतार सकते हैं। समोसा होता है।
अच्छे समोसे हो गए, हमने सब उतार लिए हैं, कितने करार सीख गए हैं। और देखिए हमने चटनी बनाई है अपने घर में हरे धनिए की, ये हमने सॉस भी अपने घर में बनाई है टमाटर की। देखिए हमारे हरे समोसे कितने अच्छे बने, अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी बनाइएगा, खाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा एक बार। और आपको अच्छे लगे साइज शेयर लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारी वीडियो को, आगे भी हमारी वीडियो देखते रहिए। अब देखो हम आपको सर्व करके दिखाएंगे समोसे को, देखिए हमारे समोसे कितना करारा कितना अच्छा बना है। देखिए मटर आलू डाल के बनाया हमने, हम अपने समोसे को सर्व करेंगे। देखो आलू मटर सब्जी के साथ हमने एक समोसा सर्व करा है, वो कितना अच्छा लग रहा है। देखिए हमने समोसा फोल्ड कर, देखो कितना अच्छा लग रहा है, हमारा पनीर भी देखो कितना अच्छा आ रहा है। हम इसे इसमें सर्व करेंगे एक समोसा और आपको करके दिखाएंगे। देखिए ये हम आपको चटनी से डाल के दिखाएंगे। देखो कितने अच्छे समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। देखिए खा के देखिएगा आप कितने यम्मी और कितने टेस्टी बने हैं।